Hello students, welcome to Virat's classes. Today we are going to discuss reproduction in fungi. In fungus, there are three types of reproduction: vegetative, asexual and sexual. Some of the scholars counts vegetative reproduction under the asexual reproduction only. But here we are going to study three separate categories. Number one, vegetative reproduction. Number two, asexual reproduction. And number three, sexual reproduction in fungi. Now let's move to the vegetative reproduction in fungi. If reproduction takes place with the help of somatic cells, then it is considered as vegetative reproduction. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर केवल सोमैटिक बॉडी पार्ट्स का ही यूज होगा, देयर विल बी नो यूज ऑफ सेक्सुअल पार्ट्स. तो अगर बॉडी के सेक्सुअल पार्ट्स के अलावा सोमैटिक पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट से कोई न्यू ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. The reproduction which take place with the help of somatic cells or vegetative parts is known as vegetative reproduction, and it occurs by five methods. तो vegetative reproduction five methods से हो सकता है. Number one, by fragmentation. Number two, by fission. Number three, by budding. Number four, by sclerotia. And number five, by rhizomorph. तो fragmentation, fission, budding, sclerotia और rhizomorph की help से vegetative reproduction fungus में हो सकता है. तो first part देखिए, fragmentation. This is the fungus body. ये किसी fungus की कोई body है और इस फंगस की बॉडी के अंदर दीज आर हाइफे. ये न्यूक्लियस आ गए, ये हाइफे आ गए और ये पूरी बॉडी क्या कहलाएगी? माइसीलियम. तो ये एक फंगस बॉडी है विच इज नोन एज माइसीलियम. अब अचानक से किसी मैकेनिकल इंजरी के कारण या डिस्टर्बेंस के कारण यहां से ये पार्ट ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद इस वाले पार्ट ने अपने लिए ये पूरा ग्रो कर गया और एक न्यू माइसीलियम कंस्ट्रक्ट हो गया. तो इसको हम क्या कहेंगे? डॉटर माइसीलियम. सो इन केस ऑफ फंगस द माइसीलियम और हाइफे विल ब्रेक डाउन एट सर्टेन पॉइंट and this broken part will generate the new organism. This is known as fragmentation. So fragmentation ke case mein a part of the body will break down and the broken part will give rise to new organism or daughter organism. This is known as fragmentation type of reproduction. The next part is fission. Fission can be binary or multiple. अगर ये एक fungus है and it is common in unicellular fungus like yeast. तो हमारे पास ये एक unicellular fungus है. ये अगर two parts में divide हो गई, break हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? Binary fission. और अगर इसने अपने अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फंगस के सेल्स बना लिए और फिर ये फेवरेबल कंडीशन आने पर रप्चर हो गया मेन सेल और इसमें से ये सब न्यू फंगस निकल के बाहर आ गए, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? फिजन. तो फिजन के केस में अगर टू पार्ट्स में ब्रेक हुआ तो बाइनरी फिजन, और अगर बहुत सारे फंगस क्रिएट कर दिए
तो मल्टीपल फिजन, एंड द थर्ड पार्ट इज बडिंग. इन केस ऑफ बडिंग अ स्मॉल प्रोट्रूबेरेंस अराइजेस ऑन द टॉप ऑफ द बॉडी. तो क्या होगा, ये हमारे पास एक पैरेंट फंगस थी और इसकी बॉडी के ऊपर एक प्रोट्यूबेरेंस या आउटग्रोथ डेवलप होगी, एंड दिस आउटग्रोथ इज नोन एज बड, एंड इट विल ऑल्सो शो टोर्यूला लाइक स्टेज. तो टोर्यूला स्टेज भी फंगस में ईस्ट में देखने को मिलता है ड्यूरिंग बडिंग. और बहुत सारी बर्ड्स आपस में एक चेन भी बना सकती हैं. तो एक सिंगल बर्ड भी निकल सकती है और चेन ऑफ बर्ड्स भी बन सकती है, विच इज नोन एज टोर्यूला स्टेज. तो यहां पर आपको बडिंग के केस में टोर्यूला स्टेज भी देखने को मिलेगा. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट दैट इन विच फंगस वी सी टोर्यूला स्टेज. तो आंसर विल बी ईस्ट. नेक्स्ट इज स्क्लेरोटिया. स्क्लेरोटिया का मतलब होता है हार्ड पार्ट. तो अगर कभी किसी फंगस को बहुत ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस में रहना पड़े, तो अगर कोई फंगस किसी अनफेवरेबल कंडीशंस में रह रही है, तो उस टाइम पर क्या होगा, उसके चारों तरफ वो एक हार्ड कवरिंग बना लेगी. तो जो ऊपर वाले हाइफे हैं, दे विल फॉर्म अ हार्ड कवर एंड इनर पार्ट्स अपीयर लाइक स्यूडो पैरेन्काइमा, विच आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट चैप्टर. एंड दिस हार्ड पार्ट और हार्ड कवर ऑफ हाइफे इज कंसीडर्ड एज स्क्लेरोटिया. तो स्क्लेरोटिया के केस में क्या होता है, जब फंगस को अनफेवरेबल कंडीशंस में रहना पड़ता है, तो फंगस क्या करती है, अपनी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से को हार्ड कर लेती है और अंदर वाला जो हिस्सा है वो स्यूडो पैरेन्काइमा की तरह, फॉल्स पैरेन्काइमा की तरह दिखाई देता है, और ये इसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचा कर रखता है. और जब कंडीशंस नॉर्मल हो जाएंगी तो ये हार्ड पार्ट ब्रेक हो जाएगा और उससे अंदर वाले पार्ट से न्यू फंगस बन जाएगी. और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे, स्क्लेरोटिया, एंड इट इज वेरी कॉमन इन पेनिसिलियम. तो सबसे पहले हमने फ्रेगमेंटेशन देखा था, जिसमें मेन बॉडी ब्रेक होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म बना गई. फिर हमने फिजन देखा, अगर पैरेंट फंगस ने डिवाइड करके टू न्यू फंगस बना दी तो बाइनरी फिजन, और अगर डिवाइड करके बहुत सारे फंगस सेल्स बना दिए तो मल्टीपल फिजन. और बडिंग के केस में आउटग्रोथ बनेगी, आउटग्रोथ चेन्स में भी बन सकती है, एंड दिस इज कंसीडर्ड एज टोर्यूला स्टेज. नेक्स्ट इज स्क्लेरोटिया. स्क्लेरोटिया के केस में फंगस के बॉडी का ऊपरी हिस्सा, ऊपर के हाइफे हार्ड हो जाएंगे, एंड इट इज नोन एज स्क्लेरोटिया, एंड इट इज फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. एंड लास्ट पार्ट इज राइजोमॉर्फ. तो राइजोमॉर्फ के केस में क्या होगा, ये तो है सेंट्रल कैविटी और इसके ऊपर आ जाएंगे ये हाइफे विच हैव जिलेटिनस कवर, एंड दीज आर लूज हाइफे विच अपीयर्स लाइक रूट. तो ये आ गए लूज हाइफे, दिस इज सेंट्रल कैविटी, एंड हेयर वी हैव हाइफल कोर, एंड दिस हाइफल कोर इज कवर्ड बाय जिलेटिनस शीट.
जब फंगस के पास फूड एंड वाटर की कमी होने लगती है, जब फंगस के पास फूड एंड वाटर की कमी होने लगेगी तो फंगस इस टाइप के लूज हाइफे बना लेगा। और ये जो लूज हाइफे आप देख रहे हैं, दे अपीयर लाइक अ रूट, तो ये रूट की तरह दिखाई देते हैं बट ये रूट होती नहीं है। दीज आर लूज हाइफे एंड इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द स्कैर्सिटी ऑफ फूड एंड वॉटर एंड वेन फेवरेबल कंडीशन विल कम इट विल गिव राइज टू न्यू फंगस एंड दिस इज नोन एज राइजोमॉर्फ। तो राइजोमॉर्फ क्या होता है? रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर फंगस को भोजन और पानी की कमी होगी तो उस समय पर फंगस की बॉडी इस तरीके से एलोंगेटेड लूज हाइफल बना देगी एंड दीज एलोंगेटेड लूज हाइफे अपीयर्स लाइक रूट एंड व्हेन फेवरेबल कंडीशंस विल कम दीज राइजोमॉर्फ विल गिव राइज टू न्यू फंगस। तो फंगस के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 5 तरीके से हो सकता है। बॉडी टूट गई बीच में से और टूटे हुए पार्ट ने एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया तो फ्रेगमेंटेशन, एंड इन केस ऑफ फिजन द पैरेंट विल आइदर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स और इनटू मेनी पार्ट्स। इन केस ऑफ बडिंग अ स्मॉल आउटग्रोथ विल जनरेट ऑन द बॉडी विच इज नोन एज बड। इन केस ऑफ स्क्लेरोटिया द अपर पार्ट विल बिकम हार्ड एंड इनर पार्ट विल रिमेन सॉफ्ट एंड अपीयर्स लाइक स्यूडो पैरेन्काइमा। जब कंडीशंस नॉर्मल होंगी तो अपर हार्ड पार्ट फट जाएगा और अंदर वाला जो स्यूडो पैरेन्काइमा पार्ट है वो न्यू फंगस को बर्थ देगा। और राइजोमॉर्फ के केस में जब फंगस को फूड और वाटर की कमी होने लगेगी तो फंगस रूट जैसे स्ट्रक्चर्स बना लेगी जिसको कहेंगे राइजोमॉर्फ। और ये रूट जैसे स्ट्रक्चर राइजोमॉर्फ ये एक नई फंगस को समय आने पर बर्थ दे देंगे। तो ये था एक टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंगस। थैंक यू।